सो जाहिंद अफरीबन कैसा था कल का पेपर देखे एक्सपीरियंस थोड़े कुछ रेक्टिफिकेशन है हमें आए हैं जैसे इसके पहले हमें फीडबैक आया था तो हमने इम्प्रूव कर लिया था क्वेश्चन तो कल क्वेश्चन में कोई इशू नहीं था चार पांच अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा इशू है तो वो अभी रिवाइज करके हम फिर से पोस्ट करेंगे बस थोड़ा सा मिस्टेक है एरर में जैसे कहीं सी को डी लिख दिया है वरना एक्सप्लेनेशन तो मैक्सिमम सही है ठीक है ना तो बाई द आज ठीक है टेस्ट देखिए ये क्लियर होना चाहिए जैसे टेस्ट हम एक लाइन कर रहे हैं पैटर्न ऑफ यू पी पी सी एस एंड यू पी एस सी तो हर टेस्ट के बाद आपको ये पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन यू पी पी सी एस में या यू पी एस सी में कैसे आता है वैसे ही तैयारी होनी चाहिए होता है ना क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डालते हैं ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन सिर्फ नए होते हैं कुछ जैसे टेन परसेंट हमारा कोशिश होता है कि हर टॉपिक से दो दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डाल दें ताकि बच्चों को ये लगे कि यूपीएससी कैसे पूछती है होती है ना कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस और यू शुड हैव कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है ठीक है कंटिन्यूसली रिपीटेड रिविजन यही है मेन यू हैव टू फॉलो दिस थिंग कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको ही रिवाइज करें और उसको जो क्लास में है क्लियोरिटी हो जानी चाहिए मेन हम डिस्कशन क्यों करते हैं इतना लंबा लंबा कि चीजें समझ में आ जाए आप किसी को एक्सप्लेन कर लें यही होता है ना तो जब कुछ हम क्लास एंड कर लें तो आप जाके समझाया कीजिए अपने घर वालों को क्योंकि यूपीएससी का जो जी है जनरल स्टडी है वो सबको पता होना चाहिए जनरल स्टडी तो पूछता है पॉलिटी एक्सपेक्टेड है कि हर इंसान को आना चाहिए ठीक है जोग्राफी एक्सपेक्टेड है कि हर इंसान को आना चाहिए क्योंकि चारों तरफ हम घूमते हैं जोग्राफी बेसिक साइंस इकोनॉमी डेली बेसिस पे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट एवरीथिंग ठीक है ना एंड इन्वायॉरमेंट डेली आ ही रहा है कि यहाँ पे कौन विलुप्त हो रहा है कहाँ का फॉरेस्ट हो रहा है तो एवरीथिंग जी का यू का आई का पेपर ऐसा है ना जो सिलेबस कि वो जनरल स्टडी है जनरल हर पीपल को उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ओके okay? तो आप समझाना स्टार्ट कीजिए जैसे होता है ना प्रियम्बल हमने कंप्लीट कर दिया तो प्रियम्बल आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप कहानी की कि जैसे किसी को समझा दें घर पर होता है ना घर पर समझा कीजिए सबको कि, कि प्रियम्बल का मतलब ये होता है ठीक है देश का मतलब एक्टिव सिटीजन यही होता है ना वो हर चीज को फॉलो करते हैं ठीक है तो टुडे वी हैव सम टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन ए वेरी क्विक समेरी ओके तो पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द स्टैटिस्टिक पैनल ये सेंसस के लिए पैनल रहता है इसको डिजॉल्व कर दिया अभी मतभेद होने लगे ना सेंसस जो दो में होने वाला था दो के आधा से ज्यादा ईयर का एंड हो गया अभी पता ही नहीं चल रहा कब होगा तो लोग अंदर भी तो विरोध करने लगते हैं ना कि आप करो नहीं करो क्या फायदा है तो ये सब चीजें चल रही है ठीक है इनका जो स्विस पीस प्रोसेस चल रहा है ये खुद का मीटिंग बैठा रहे हैं जो स्विस जो स्विस क्या है स्विट्जरलैंड की कैपिटल में ही है तो वहां पे स्विट्जरलैंड के एडवोकेसी में ये हम क्या कर रहे हैं प्रोसेस वर्ल्ड के जितने भी टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो प्रीशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रस्सा जो वार्ड कर रहा है यूक्रेन से उसको रोक दे ओके देन वी विल सी दैट द एम्पोक्स सिम्पटम आइसोलेटेड जो इंडिया <coughs> में पाए जाते हैं उनको आइसोलेट कर दें तो इसका सिर्फ हम देखेंगे किस वायरस के थ्रू हो रहा है कॉमन रिपीटेड रिविजन आफ्टर दैट वी विल सी दैट द ये कुरनूर दुरूद स्टेशन है कहाँ पे है ये उती, यही ऊटी है ऊटी का जो सबसे ऊटी का नाम सुना होगा ना दैट इज ए हिल स्टेशन जैसे हमारे वहाँ यहाँ मनाली है वैसे ये साउथ uh, में ऊटी uh, है आफ्टर दैट वी विल सी दैट द बर्ड फ्लू का केस फिर से आ रहा है तो बर्ड फ्लू का सिर्फ हम फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है ठीक है किस वायरस से हो रहा है आफ्टर दैट वी विल सी दैट द अबू धाबी क्राउन प्रिंस वो इंडिया में विजिट पे है तो सिर्फ पीसर्स के लिए ये जानना है कि इस सितंबर के मत में किसका विजिट इंडिया में हो रहा है जो लीडर विजिट करते हैं पीसर्स में डायरेक्ट पूछता है आफ्टर दैट दैट वी विल सी इंडिया यूएस एग्री टू द स्वाप टोन वीड इन हॉस द क्वाड सबमिट तो क्वाड ऑलरेडी हमने पढ़ा है चार देश हैं क्वाड में और उनका हम क्यों कर रहे हैं चाइना को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए देन वी विल सी दैट द बॉय डाइज आफ्टर द क्विक क्वैक का मतलब क्या होता है जो डॉक्टर की डिग्री नहीं होती है लेकिन जो लोग डॉक्टर होते हैं क्या बोलते हैं उनको हु? क्या बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर सही तो बोली है झोला छाप ही बोलते हैं वही इसका मतलब होता भी है ठीक है ठीक तो एक झोला छाप डॉक्टर है वो यूट्यूब से देख के सर्जरी कर रहे थे डेथ हो गया तो यूट्यूब से देख के भी सर्जरी हो सकता है अभी तक हमें लगता था खाना बना सकते हैं कुछ नया मतलब कुछ छोटी मोटी चीजें कर रहे थे ये सर्जरी ही कर रहे थे यूट्यूब पे देखे ओके डेली विल अपो द जी एस टी ऑन ऑनलाइन पेमेंट तो कहीं पर भी सेंटर जहाँ पर पावर ज़्यादा लेने की कोशिश करता है स्टेट्स उसका विरोध करते हैं वो एक एग्जाम्पल है आफ्टर दैट वी विल सी दैट द एडोप द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी धनकर तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी दो हजार बीस में ही हमने लाया है और उसके थ्रू हम एजुकेशन को थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाहते हैं ज़्यादा स्किलिंग लाना चाहते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए आफ्टर दैट वी विल सी दैट द माई स्टडी क्लेम दैट दैव फाउंड द लॉन्गर कोविड कोविड रियल परपिटेटर्स तो ये एक रिसोर्ट चल रहा है उतना डीप में नहीं जाना है कोविड का क्या मेन इंपैक्ट हो रहा था ब्लड क्लॉग हो जा रहा था जमना हार्ट अटैक केसेस ज्यादा आ रहे थे जैसे जब कोविड के, के बाद लोग आ रहे थे मैक्सिमम डेथ कब हो जा रही थी जब कोविड था सब कुछ सही चल रहा था कोविड से लोग बच के आ जा रहे थे जब घर पे आ रहे थे तो हार्ट अटैक ड्यू टू द क्लॉगिंग यही इश्यू था अभी रिसर्च से पता चल रहा है कि क्लॉगिंग को छोड़ के भी दूसरे इश्यू भी जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं ओके देन वी विल सी दैट द द्लैनेटरी प्रोटेक्शन कीपिंग द आउट टॉक्सिक एलियन जैसे हम कभी भी जाते हैं आजकल हम मून पे जा रहे हैं मार्स पे हैं और भी दूसरे ग्रहों पे जा रहे हैं अब हमें लगता है कि वहां से कोई अगर जीव वहां पे पाया जाता हो और उस स्पेस में टच होके आ जाए और यहाँ पे आए और यहाँ पे ग्रो करने लगे और यहाँ के लोगों को गायब कर दे डोमिनेट कर ले करने लगे जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले कौन सी स्पीसीज पढ़ा था इन्वेसिव स्पीसीज एक तरीके का स्पीसीज पढ़ा था जो कि उस नेटिव एरिया में नहीं है बाहर से आते हैं और जो लोकल एरिया है वहां की स्पीसीज को गायब कर देते हैं तो ऐसे ही अगर एलियन बाहर के ग्रह से आ जाए और यहाँ पे अगर उसका कोई तोड़ नहीं है तो वो डोमिनेट करेगा ना तो दैट इज द मेन थिंग उसी का प्रोटेक्शन के लिए क्या लॉ है उसको थोड़ा सा देखेंगे देन वी विल सी दैट द पीरियोडिक रीसेट एशियन का अभी हम देखें कि आ, इंडिया का समिट में पार्टिसिपेशन था मोदी जी गए थे ना बदूने लोकेट कर रहे थे हम लोग इंडोनेशिया के ऊपर था तो उसी के साथ हम कंटिन्यूसली एशियन के साथ जो हमारा रिलेशन है उसको हम कंटिन्यूस बेसिस पे चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बातचीत डायलॉग चलता रहे एंड इंप्रूव रिलेशनशिप में होता रहे वलरबिलिटी ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप लीगली जैसे लीगली ऐसे कोई लॉ नहीं है प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा होता है ना वल क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है सबसे ज्यादा वलरेबिलिटी वही होती है कुछ लॉ है लेकिन उसको उतना तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो हमारे लॉ है किस तरीके से इम्प्लीकेबल है और क्या वालेबिलिटी है देन वी विल सी दैट द समग्र शिक्षा फंड ये एक रिसेंटली एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम जितना भी एजुकेशन के स्कीम है उसको एक जगह हम इकट्ठा करके उसका फंडिंग करके हम इंप्लीमेंट कराना चाहते थे ताकि उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान हो अलग अलग कई हिस्सों में डिवाइडेड था तो कुछ में समझ ही नहीं आता था कि खाना खिला के एजुकेशन बढ़ाएं जैसे मिड डे मील कि टीचरों की क्वालिटी बढ़ाएं कि टीचरों की ट्रेनिंग बढ़ाएं कि बुक्स दें कि ड्रेस दें कि ओवरऑल जो पढ़ाने का जो हमारा सिलेबस है उसको चेंज कर दें तो इसीलिए हमने समग्र शिक्षा अभियान लाया है ताकि उसमें हम टोटल जितना भी एजुकेशन है कि जो एजुकेशन में टीचर्स की ट्रेनिंग है ड्रेस है जो बच्चों का मिड डे मील है सबको इकट्ठा करके एक तरीके से उसका प्लानिंग किया जाए देन वी विल सी दैट द अनकॉमन साइक्लोन इन द अरेबियन सी साइक्लोन पढ़ा है ज्योग्राफी में साइक्लोन का क्या कंडीशन आता है पहले डिप्रेशन आता है फिर वो डिप्रेशन बड़ा होने लगता है फिर वो इतना स्ट्रांग होने लगता है कि उसके बीच में सर्कुलेशन होता है और इसकी स्पीड विंड की इतनी ज़्यादा होती है कि वो उड़ा ले जाती है घर को लोगों को तो द वो साइक्लोन कंडीशन होता है और उसके पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होते हैं और पर्टिकुलर उसके कंडीशन होते हैं साइक्लोन फॉर्म के तो थोड़ा सा हम देखेंगे उसको एंड इन द लास्ट वी विल सी दैट द चेंज इन द लेवल ऑफ द आर्कटिक सी आइस चेंज इन द मानसून पैटर्न थोड़ा थोड़ा मानसून पैटर्न और साइक्लोन थोड़ा थोड़ा आपस में मिलते जुलते हैं क्या होते हैं साइक्लोन में भी प्रेशर डिफरेंस का कंडीशन आता है मानसून भी कैसे आता है एक जगह पे हाई प्रेशर दूसरी जगह पे लो प्रेशर विंड बहती है साथ साथ अपने मॉइस्चर लेकर जाती है बारिश होता है ओवरऑल ऑल यही है इस पर इम्पैक्ट आ रहा है आर्कटिक में जो आइस का ओवरऑल चेंज हो रहा है तो मानसून पे किस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज फ्रंट पेज पे पहला न्यूज जो है कि मणिपुर से रिलेटेड है मणिपुर का न्यूज डेली बेसिस है है क्या है ये हमने ऑलरेडी सबको पता होगा आई होप क्या है कुकीज एंड मिटीज जो ग्रुप लड़ रहे कुकीज ऑलरेडी हिल पे रहने वाले क्या है एस ट्राइबल uh, है और जो मिटीज़ है डोमिनेटिंग है ओबीसीज में आते ओबीसी उनके लिए तो एक तरीके से फॉरवर्ड जनरल कास्ट हो गया मतलब काफ़ी उनसे आगे है ये एक तरीके से टेंडेंसी है डोमिनेशन उन्हीं का है पॉपुलेशन मिट्टीज का ज़्यादा है और वही हर जगह पावर में है जॉब हर जगह उन्हीं का है मिनिस्ट्री उन्हीं का है गवर्नमेंट भी इस समय जो चीफ मिनिस्टर भी हैं मीटीज़ के हैं और गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है वो भी मीटीज़ का है तो यहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ाई चल रही है ओके देन वी विल सी दैट द स्टैटिस्टिक पैनल रिजॉल्व इन एमिट डिसेंट ओवर देंसेस अब सेंस को लेके काफी बवाल चल रहा है कि ये तो नॉर्मल चीज है आप कराइए हर दस साल में होता था क्योंकि उससे तो बहुत इम्पैक्ट होता है ना सेंस से ही पता चलता है कि कैसे डिफरेंट स्कीम इंप्लीमेंट करना है किस कैटेगरी को किस क्लास को कितना देना कितने है कितने फार्मर्स हैं कितने किस कास्ट से रिलेटेड है जो भी चीज़ें हैं आप सेंसस नहीं कराएंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना कितने वीमेंस हैं कितने चिल्ड्रेन हैं हर लोगों के लिए तो प्लान करती है ना गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम है तो उसको लेके आपस में ही मतभेद हो रहा है जो यहाँ के इनके जो चीफ थे ओके फोर्टीन रिकमेंडेटरी बॉडीज था होता है ना कि हर एरिया का एक रिकमेंडेटरी बॉडीज है ये नाम याद रखिएगा प्रनोब सेन ये पीसीएस में पूछ सकता है कि अभी इन्होंने जो 14 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी ऑन द स्टैटिस्टिक था इसका हेड कौन था प्रनोब सेन एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं दिस वॉज वर्किंग अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको मोसपाई कहते हैं सॉर्ट मोफा में ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ओके इसके अंडर में ये बॉडी काम करती थी ऑन द रिकमेंडेशन किस तरीके से हम सेंसस करें इस पर ऑलरेडी ये हमें एग्जिस्ट करती है अभी आपस में ही मतभेद हो गया कि ये होता है ना एक डिसेंटिक नोट्स देते हैं कि अरे ये होना चाहिए आप नहीं कर रहे हैं पब्लिकली ना हो उसके पहले इन्होंने इसको डिजॉल्व कर दिया बिना बताए कि क्या रीजन है प्रणव प्रुनौ, सेन बंगाली में लिखा है वरना हम लोग इसको प्रणव सेन कहेंगे अपने जो नॉर्थ इंडिया का प्रोनाउंसिएशन है नेशनल सैंपल सर्वे जो होता है ऑफिस ये डिफरेंट डेटा कलेक्ट करता है कोई भी सर्वे होता है किसी भी एरिया में तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है इसका काफी मेन रोल होता है तो ये थोड़ा सा आप लोग

एक्टिव इंगेजमेंट कीजिए आप जैसे इंडिया जो स्विस पीस पीस प्रोसेस है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और ये स्विस पीस प्रोसेस है इसमें माना जा रहा है कि यूक्रेन का बायस नहीं वेस्टर्न कंट्रीज रस्ता पे दबाव बना रहे हैं कि युद्ध से आप बाहर आइए ठीक है तो इंडिया नहीं दिखाना चाहता ना कि हम बायस हैं या यूक्रेन के तरफ खड़ा है हमारा तो हमेशा रहता है ना कि हम रस्ता से थोड़ा सा हमारे जो इंक्लाइनेशन है वो रसन ठीक है. है तो अभी इंडिया नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है बुर्जेन स्टॉक ज्वाइंट कम्युनिक रिलेटेड है यूक्रेन का जो पीस प्रोसेस चल रहा है तो इससे ये लिख लीजिएगा स्विस पीस प्रोसेस एंड बुर्जेन स्टॉक ज्वाइंट कम्युनिक इस प्रोसेस के लास्ट में जो एक डॉक्यूमेंट इन लोगों ने रिलीज किया था वही डॉक्यूमेंट है बुरजेन स्टॉक ज्वाइंट कॉम्युनिक स्विशीस प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू दूक्रेन एंड रसा वॉर और इसके थ्रू जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया था इन लोगों ने इसका नाम था बोर्जेन स्टॉक ज्वाइंट कम्युनिक होता है ना कोई आप लेटर कोई पेपर एक मीटिंग के पास जो रिलीज करते दट इज ब्रिक्स का यहाँ पे जिक्र है वट इज द ब्रिक्स जैसे अजीत दोवल अभी जाने वाले हैं ब्रिक्स का सिक्योरिटी समिट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग है वहां पे है तो व्हाट इज फाइव डेवलपिंग कंट्रीज थे फाइव अभी लेकिन चार को ऐड किया है इसी साल चार को ऐड किया है जो चार ऐड हुए हैं दिस इज द इजिप्ट एजिप्टोपिया एंड वन मोर इज दैट यूएई इजिप्ट इथोपिया सऊदी अरेबिया तो अभी नहीं है ये बाहर है ईरान ईरान ऐड हुआ है चार जो अभी ऐड हुए हैं यूएई इजिप्ट इथोपिया ईरान सऊदी अरेबिया अभी एक्टिव मेंबर नहीं है ये इन्वाइट करने पे जाके हमेशा पार्टिसिपेट करता है आने वाले टाइम पे सऊदी अरेबिया का मेंबरशिप पक्का है लेकिन अभी जो है सिर्फ ब्रिक्स में नाइन मेंबर हैं नाइन में पा, पास तो पहले से हैं ब्राजील इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ठीक है रशिया ठीक है ब्रिक्स के ये पांचों वर्ड है बी से ब्राजील आर से रशिया आई से इंडिया सी से चाइना एस से साउथ अफ्रीका जो अभी इस साल चार ऐड हुए हैं यूएई इजिप्ट इथोपिया एंड ईरान ठीक है जो मोस्ट प्रोबेबल मेंबर अभी ऐड होने वाला सऊदी सा, अरेबिया है ईरान है ईरान ब्राजील इंडिया ब्राजील इंडिया, चाइना साउथ अफ्रीका एस साउथ साउथ पीसेस में पूछने का बहुत चांस है और पक्का सेवेंटी परसेंट चांस है कि पूछेगा कि अभी जो एड हुए हैं उसमें यूए चार एड हुए यूए, इजिप्ट इथियोपिया इथियोपिया अफ्रीका में है इजिप्ट भी अफ्रीका में है नॉर्दर्न अफ्रीका दोनों अगल ही बगल है इथियोपिया एंड एजिप्टूए लेकिन मोस्ट प्रॉबेबल है लेकिन फुल में एकदम फुल मेंबर नहीं है लेकिन उसके ब्रिक्स uh, के मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है ऑन द इनविटेशन क्लियर एमपॉक्स का कैसे जा रहे हैं वॉट इज द वायरस मंकी पॉक्स वायरस मेन कैसे हो रहा है एनिमल टू एनिमल और द ह्यूमन टू ह्यूमन ये है एनिमल टू ह्यूमन और द एनिमल एनिमल टू फिर ह्यूमन का है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसका है ठीक है ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर कोस्टल जोन वायलेशन यहां पे देखिएगा ये कोस्टल जोन वायलेशन है हर कोस्टल एरिया में कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड किए होते हैं कोस्टल एरिया को कि किस एरिया में कौन सी एक्टिविटीज हम करेंगे तो ये एक तरीके से रेगुलेट करने का कोस्टल एरिया में ताकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है एक हमारे पास ये रेगुलेटरी गाइडलाइन है तो ये आप याद रखिएगा कभी भी आए तो यू कैन यूज कोस्टल रेगुलेशन जोन में हम डिवाइड करते हैं कुनूर स्टेशन ऊटी ऊटी के काफी पास है ये ये यूनिस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक मेंबर है और ये नीलगिरी जो हिल्स है उसमें आता है होता है ना वेस्टर्न घाट में नीलगिरीज डिफरेंट हिल स्टेशन हिल रेंज है नीलगिरी इज द जहाँ पे तमिलनाडु केरला एक दूसरे से ट्रांजिशन करता है मिलता है वही वाला एरिया है एक बार मैप में आप लोग लोकेट कर लीजिएगा ओके बर्ड फ्लू का क्या होता है फॉर्मूला एन वन एच वन किसका है एन वन एच वन बर्ड फ्लू का है ना बर्ड फ्लू का N5, एक बहुत कंफ्यूजन रहता है स्वाइन फ्लू एंड बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू का एन वन एच वन है एंड बर्ड फ्लू का एन फाइव एच वन है एन वन एच वन स्वाइन फ्लू दोनों में एन वन है हाँ. पिक्स के कारण पिक्स के थ्रू होते हैं बर्ड फ्लू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बर्ड्स उनके एन फाइव एच वन एच वन दोनों में है एक में फाइव uh, है एक में वन है सिर्फ ये पीसीस के लिए कि अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है वो इस समय दिल्ली के विजिट पे है तो ये पीसीस के लिए लिख लीजिएगा ये सब याद करने वाले हैं पीसीस के प्रम्स में पूछता है कि अभी कौन सा मंथ है सितंबर जो विजिट कर रहे हैं यू के जो प्रिंस है वो इंडिया में विजिटिंग है अभी इनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान ये yeah. यहाँ से यहाँ तक इनका नाम लिखा हुआ है ठीक है ये मुझे याद ही नहीं होता इतने दिनों से मैं पढ़ता हूँ शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयेद अल नहयान आपको भी याद नहीं करना वो देख के पता चल जाएगा वो कि यही है इतना ही नहयान पढ़ के पता चल जाता है कि ये यूएई के प्रिंस के आगे लगा है जयद अल नहयान यही मेन है ये हमेशा लिखा रहता है ये सब तो जुड़े हुए हैं से खालिद बिन मोहम्मद बिन जयेद अल नहयान ओके शुड बी प्रोसीड सिंपल ये क्विक परफॉर्मिंग सर्जरी वाचिंग द यूट्यूब ये भी एक अच्छी बात है ठीक है ना क्वाड व्हाट आर द मेंबर्स यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया क्वाइट ठीक है समिट अभी होने वाला है ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया एक दिन पहले ही इसको डिस्कस किया था ऑनलाइन पेमेंट बिलो 2000 है ना अभी ये स्टेट के पास है तो इसको क्या लेना चाहते हैं सेंटर अपने जीएसटी में मिलाना चाहता है तो फिर सेंटर को होगा तो स्टेट विरोध करता है ना क्योंकि अभी अगर स्टेट के पास है तो अगर बीस रुपये भी रहेगा तो स्टेट को जाएगा ना अगर वो जीएसटी में चला गया फिर सेंटर लेगा सेंटर बांटेगा सारे स्टेट को तो उसमें डिवाइड हो जाता है दिल्ली का इनकम ज़्यादा है ना ऑनलाइन पेमेंट से सारे लोग शहरी एरिया है वहाँ करते हैं तो अगर अगर सेंटर लेगा तो फिर वो इकट्ठा लेगा और फिर सबको बांटेगा तो उसमें तो बिहार को भी मिल जाएगा झारखंड को भी मिलेगा जो कम जिनका इनकम है तो इसीलिए मैक्सिमम स्टेट मैक्सिमम स्टेट विरोध करते हैं कि जीएसटी में न जाए जीएसटी का इसीलिए विरोध होता है क्योंकि दोनों में शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है ओके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है इसके पहले बहुत पुरानी थी उन्नीस में थी अभी हमने काफी कुछ चेंज किया है जैसे ग्रेजुएशन को तीन से चार साल बनाया है फेज वाइज मैनर में बनाया है जैसे कि पहले एक साल छोड़ देने पे आपको कोई भी डिग्री नहीं मिलती थी हाँ इसके जो पहले की पॉलिसी थी काफी पुरानी थी 1986 कल के पेपर में भी था ठीक है इसपे डिबेट भी हो रहा था कि छियासी या चौबीस को अड़तीस कैसे कर दिया थर्टी फोर तो, पहले है थर्टी एट नहीं था वो बाय द फॉल्ट दैट वाज ओके तो उसमें अभी जो हम कह रहे हैं हम कह दो हजार बीस का जो आया है अभी का जो नेशनल पॉलिसी थर्टी फोर ईयर्स का गैप था थर्टी फोर ईयर्स का गैप था तो अभी हम डिस्कस ये कह रहे हैं कि इसमें हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया जैसे पहले था कि आप चार साल का तीन साल का कोर्स करते थे किसी भी साल छोड़ देते थे तो आपका डिग्री नहीं मिलती थी अब आप जिस ईयर में छोड़ेंगे उस साल का आपको बता दिया जाएगा कि इतने तक की डिग्री दे दे रहे हैं ठीक है इसमें यह भी है कि आप एक शहर से दूसरे शहर में आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करवा सकते हैं एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में फ्लैक्सिबिलिटी काफ़ी दी गई है स्किलिंग पे भी जोर दिया गया कि अगर आपको स्किलिंग करना है तो वो कर दीजिए बीच में आप छुट्टी लेके जाइए कुछ सीख के आइए ये सब चीज़ें फ्लैक्सीबिलिटी

अभी कोविड पे रिसोर्ट चल रहा है पहले ये था कि ये लग रहा था कि क्लॉटिंग के कारण मैक्सिमम जो पेन है डेथ है वो हो रहा है अभी कह रहे हैं नहीं अंदर पहले ही प्रोसेस है वायरस पहले डैमेज कर रहा है कि इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल और उसके कारण इन्फ्लेशन जो भी है ये रिसोर्ट है उतना हम नहीं जाएंगे बेसिक्स हमें क्या जानना है कि मेनली जो ये था दैट वॉज ड्यू टू द एस ए आर एस सी ओ वी टू इसका ये वायरस के कारण आ रहा था वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस साउथ एशियन रेस्परेटरी सिंड्रोम यही था ना तो ये इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है ना इसके ही कारण ये वायरस था और वायरस अपना नेचर चेंज कर रहा था कंटिन्यूसली उसका जेनेटिक चेंज हो रहा था इसलिए काफ़ी मुश्किल था कंट्रोल करना एक हम चेंज कर रहे थे तो दूसरा वैराइटी आ जा रहा था होता है ना जैसे नहीं आप लोग भस्मासुर वाला कहानी पढ़े होंगे कि वो अपना दूसरा जहाँ पे भी ब्लड गिरेगा फिर जिंदा हो जाएगा कुछ क्या होता था अच्छा रक्त बीज था बस सूर तो सर पे हाथ रखने रक्त रक्त बीज चाहिए था ओके तो ये ऐसे ही थे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए आज का डिस्कशन है दैट इज द प्लेनेटरी प्रोटेक्शन जैसे हम मार्स पे या डिफरेंट ग्रहों पे मून पे तो खासकर हम कंटिन्यूसली भेज रहे हैं ना और मार्स पे लेकिन अभी सोचे कि कुछ ऐसा वहां पे स्पीसीज है जो हो सकता है कि यहाँ पे आए धीरे धीरे ग्रो कर जाए और उसका कोई तोड़ नहीं है तो वो हमें डोमिनेट करेगा ना क्या पता वो कैसा है एलियन एलियन यहाँ ये यह एलियन नहीं है जो वो ऋतिक रोशन वाला पिक्चर है ना एलियन जादू वाला वो नहीं है ये एलियन कुछ भी हो सकता है माइक्रोब भी हो सकता है एकदम माइक्रोमीटर में चीटी से भी छोटा हो सकता है लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या बीमारी फैला सकता है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज कॉज ठीक है तो जैसे हम लोग नहीं देखते हैं कि हम घर से कभी बाहर जाते हैं पैदल घूम उम के आते हैं तो चप्पल उप्पल निकलवा देते हैं बाहर क्यों? कि बाहर की गंदगी ना आए यही है ना तो कोई स्पेस में जो भी हमारे सेटल जाते हैं सेटेलाइट जाते हैं जो भी हमारे रॉकेट जाते हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से है रूल है कि आप पहले ही सैनिटाइज करके आएंगे जैसे होता है ना कि हाथ पैर धो के घर में घुसना वाला तो यहाँ पे है कि कोई भी अपने अर्थ पे दोबारा आ रहा है तो बाहर से ही अर्थ के बाहर स्पेस स्टेशन पे जाके उसको पूरा सैनिटाइज करके ही आते हैं ताकि कोई भी अगर एलियन गलती से कहीं चिपका भी हो वो अर्थ पे नहीं आए और जो ट्रिटी इसको गवर्न करती है आउटर स्पेस ट्रीटी है नाइनटीन का एक ही ट्रीटी है जो आउटर स्पेस में डिफरेंट कंट्रीज कैसे बिहेव करेंगे वो डिफाइन है आउटर स्पेस ट्रीटी से ओके okay? लिख लीजिए ये सब लिखते रहने से याद हो जाएगा तभी मेंस में याद आएगा तो यू विल राइट वी हैव वनली ट्रीटी फॉर द आउटर स्पेस दैट इज द आउटर स्पेस ट्रीटी नाइनटीन समझ में आ रहा है ना क्या है ये कि बाहर में हम जो भी लॉन्च करते हैं उसका प्रोटेक्शन कैसे है कि स्पीसीज अंदर कॉन्टेमिनेट ना करे कॉन्टेमिनेट का मतलब प्रदूषण या चीजों को मतलब आप निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं कॉन्टेमिनेट यही होता है ना कि आपका किसी से इन्फेक्शन हो जाए और उससे चीज़ें खराब हो जाए ठीक है कॉन्टेमिनेट ऑर्थ ना हो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी लॉ है कि कोई भी अगर जेट या स्पेसक्राफ्ट क्राफ्ट बाहर जाएगा वो आने के पहले पूरा का पूरा सैनिटाइज करेगा कि कोई भी स्पीसीज उसमें जुड़ के अर्थ पे ना आए अर्थ का प्रोटेक्शन होता है हमारे पास जो लॉ है आउटर स्पेस ट्रीटी है ऑलरेडी ये लीगली इसको बैन करता है इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल नाइन है इतना डीप में नहीं जाएंगे बस पता होना चाहिए आर्टिकल नाइन फिर भी आप लोग लिख लीजिए याद रहे लिखें तो बढ़िया है अभी रिसेंटली जो हमने बाहर से सैंपल लेके आया है जैसे अभी चाइना भेजा था सैंपल लेके आने के लिए कहाँ से मून से क्या मिशन था म्यूशन का नाम क्या था कई बार पढ़े हम लोग क्लास में चांग सिक्स सी एच ए एन जी चांग सिक्स था ठीक है वो था मून पे चाइना मार्स से भी मिट्टी लाना चाहता है सी एच ए एन जी ई सिक्स उससे चाइना ने भेजा है वहां से मून से हमने सोयल लेके आया वहाँ का कुछ मटेरियल लेके आया टेस्टिंग के लिए अब ये मार्स से भी लाना चाहते हैं उस वाले मिशन का नाम है तियान वेन थ्री तियान वेन थ्री, वेन थ्री, थ्री दो हजार अट्ठाईस का ये प्लान बना रहे हैं अभी से तैयारी कर रहे हैं ये मार्स से लाके मिट्टी लाना चाहते हैं उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किस तरीके इसपे भी है कि ये प्रॉपर तरीके से सेपरेट लैब बनाएंगे और इतना व्यवस्था होगा कि वहां से कुछ भी चीज़ें बाहर ना जाए जैसे अगर कोई स्पेसीज आ जाए तो प्रॉपर तरीके से इतना गाइडलाइन होनी चाहिए कि कोई भी चीजें वो बाहर अर्थ में हमारे कॉन्टीमेन कॉन्टीमिनेट करे। ना करें बाहर चीज़ें ना आए ठीक है ऑलरेडी यही एक्ट के द्वारा हम करते हैं ओके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैटर का मतलब क्या हुआ जो चीज़ें हमारे अर्थ पे नहीं है बाहर से आ जाए वैसे नॉर्मली बाहर से चीज़ें आती हैं दिन रात जो हमारी स्पेस तो खुला है ना कौन सा ऊपर चादर लगा के रखे हैं वो आते रहते हैं लेकिन हम पर्टिकुलरली ये स्पेस से आते आते बहुत टाइम लगता है डिफरेंट लेयर को पार करते हैं बीच में जल भी जाते हैं कई लेयर्स हैं वो घुसते घुसते जैसे आपने देखा होगा कि जलता हुआ तारा कुछ ऐसे ऐसे है ना डिफिनीसन क्या है ये सब चीज़ें हैं लेकिन हम जब वहां पे जाते हैं तो एकदम लाइव वहां से ला सकते हैं ना वहां से आते आते मार्स से अगर अपने आप आए तो पहले मार्स से इन्वामेंट में जाएगा फिर क्रॉस करेगा डिफरेंट लेयर्स को तो उसको बहुत टाइम लग जाता है और उतने में सर्वाइवल कंडीशन बहुत कम होती है लेकिन अब तुरंत मून से आके अर्थ पे आ रहे हैं तो सर्वाइवल कंडीशन ज़्यादा होती है दैट इज़ द चांसेस जैसे आप घर में कोई जूता पहन के नहीं आए इसका मतलब ये नहीं है कि धूल मिट्टी नहीं आता आता है ना लेकिन वो नहीं है कि डायरेक्टली आप जिस तरीके से लाइफ लेके आ सकते हैं उतना आप कंडीशन क्या ओवरऑल कम कर देते हैं चांसेस घटाते हैं ना होता थोड़ी है कि जैसे हम ऐसे भी बाहर जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि डिजीज तो होने की चांसेज होते हैं तो बाहर निकालना बंद थोड़ी कर देते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से हम सैनिटेशन का ध्यान रहते हैं कि हाथ पैर धुलना ये सब चीजें हम केयर करते हैं वहीं यहाँ पे भी कर रहे हैं क्लियर हो रहा है ये चीजें नेक्स्ट न्यूज है दिस इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट जो स्कीम्स है विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ तो ये हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे बस ये जानिए कि हमने कई तरीके से एक्सपैंड किया है सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नेशनल रूर हेल्थ मिशन हमने स्टार्ट किया था 2005 से वी स्टार्टेड दिस आफ्टर दैट हमने इसको नेशनल हेल्थ मिशन इसको अर्बन एरिया तक में कर दिया था 2013 तक आते आते और अभी जो हम ला रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन में रूरल और अर्बन एरिया दोनों था और अभी जो हम चला रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर द आयुष्मान भारत तो पहले हम मेडिसिन फ्री में देते थे तो यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट का कॉस्ट लगता था अब भी हम इसको इंश्योरेंस बेसिस पे कर रहे हैं जैसे होता है ना कि जैसे आप डायरेक्ट सबका खर्चा उठा रहे होते हैं तो इसमें सारा गवर्नमेंट के पॉकेट पॉकेट से लगता है लेकिन अगर चीज आप इंश्योरेंस कर दें तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे और जब आपका कभी बीमारी का इंपैक्ट होगा तो प्राइवेट प्लेयर भी आपका कर सकता है यही होता है ना इंश्योरेंस में तो गवर्नमेंट भी अब डायरेक्ट पेमेंट को हटा के अपना बोर्डिंग पे शिफ्ट कर रही है इंश्योरेंस कंपनीज पे कि हम इंश्योरेंस का पेमेंट दे देंगे जन आरोग्य योजना में यही तो चल रहा है क्या है इसके अंडर पर फैमिली फाइव लाख रुपीज मिलेगा फॉर द दवा कराने के लिए एक फैमिली को पांच लाख रुपए एक साल में ठीक है आयुष्मान कार्ड वही तो आयुष्मान भारत योजना है आपको कार्ड मिलेगा एंड इट इज फॉर द सेकेंडरी एंड दी टाइप ऑफ द डिजीज होता है ना टरी और सेकेंडरी uh, टोसियरी में क्या होता है जो थोड़ी हाई लेवल फाइव लाख हाँ मिलेगा नहीं आपका जब आप जाके दवा कराएंगे पांच लाख तक तो वो आपको देना नहीं पड़ेगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाँ कार्ड से ही हो जाएगा गवर्नमेंट उसको करवा देगी ठीक है ये प्रोसेस है सेकेंडरी एंड टोसियरी बीमारियों के लिए प्राइमरी बीमारी के लिए नहीं सेकेंडरी टोसियरी में जैसे कि आपका कोई ऐसे लेवल का बीमारी हो जाए जिसमें आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़े आपको बहुत ज्यादा सर्जरी uh, की जरूरत पड़े इन सब के लिए है। होता है ना डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज यू नीड स्पेशल केयर तो दिस विल बी अंडर द आयुष्मान भारत टोसेरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी टोसेरी में डिफरेंस पता है प्राइमरी नॉर्मल आप जाते हैं क्लिनिक क्लिनिक गांव लेवल पे होता है आपको बुखार हुआ गैस चेकअप करा के तुरंत तो दवा लाए हाँ सेकेंडरी में ये होता है कि जैसे आपको सीटी स्कैन ये सब कराना है बाद में आपका उसमें प्रोसेस चलेगा टी में हो गया कि उससे भी हाई लेवल पे आप आईसीयू में चले गए आपका इंस्टेंट जल डलाना है इंस्टेंट ये एनजियो प्लास्टिक ये सब चीज़ें होती है ना बहुत हाई लेवल का काफ़ी खर्चे होते हैं ये दे विल भी स्पेशल टाइप ऑफ मशीन की नीड होती है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में क्लियोरिटी आ रहा है सिंपली ओके तो ये सब किसके अंदर में कवर कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो यही इसमें डिस्कशन हुआ कि कितने लोगों को कवर किया है 50 करोड़ लोगों को और 50 करोड़ लोग में 12 करोड़ फैमिली हाउस होल्ड आएगा ठीक है ना तो इतने लोग का कवरेज अभी इसके थ्रू हम कर रहे हैं क्राइटेरिया एक अभी तो बीपीएल ही को ले रहे हैं कि पर्टिकुलरली आपके पास कुछ खास बीपीएल को ही दे रहे हैं अभी यही है ये जो क्राइटेरिया का डिसीजन है ना ग्राम सभा लेवल पे लिया जा रहा है ग्राम प्रधान के लेवल पे ये लिया जा रहा है कि जो नीचे से जो जितने भी हैं जैसे होता है ना कि आपका टॉफ कि उस लेवल के नीचे जो है उतने को हम कवर करेंगे ठीक है ना सबको नहीं दे रहे ना इसके अंडर में पचास करोड़ ही पीपल तो कवर्ड है मतलब एक कंडीशन है कि कुछ कुछ उन्होंने क्राइटेरिया मुझे एग्जैक्ट अभी मैं देख के बता दूंगा कल वाले में Exc... के कुछ रोल इसके अलग से हैं बीपीएल तो पक्का होंगे लेकिन इसमें एक्सक्लूजन क्या है कि, कि किसी के पास इतना गाड़ी है किसी के गवर्नमेंट में है तो उन लोगों को एक्सक्लूड किया गया एक लेवल बीपीएल को तो पक्का दे रहे हैं बीपीएल को तो पक्का दे रहे हैं बीपीएल के थ्रू भी एपीएल को भी दे रहे हैं लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया इनका है वो ग्राम सभा से डिसाइड हो रहा है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है मैं नेक्स्ट जब सेशन होगा तो इतना भी बत, आपको भी नहीं जाने की जरूरत है कि क्या है मतलब इतना डिटेल में वो ग्राम सभा के इतना है कि ग्राम सभा के थ्रू हो रहा है ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत है वहां पर डिसाइड हो रहा है तो उसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया है जैसे कि आपके पास इस लेवल के ऊपर की नौकरी नहीं होना चाहिए वरना यू विल बी एक्सक्लूडेड तो ये सब चीजें मैं नेक्स्ट सेशन में इस पर डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द पीरियोडिक रिस एशियन से रिलेटेड जो अभी मोदी जी गए थे कहाँ कहाँ विजिट करके आ रहे हैं ब्रूने एंड सिंगापुर दो जगह का विजिट है ओके okay. और दो हजार उन्नीस में हमने दो में एशियन के सारे लीडर को रिपब्लिक डे के दिन हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए थे तो ये काफी अच्छा इवेंट था रिले, रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे रिलेशन हमने बढ़ाने के लिए स्पेशल इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है क्या नाम है उसका साउथ ईस्ट एशियन के साथ हम स्पेशल रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए हम एक पॉलिसी चला रहे हैं उसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी पहले इसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी अभी बदल के इसका एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है जैसे पहले ये लुक ईस्ट पॉलिसी था कहीं पे लिखा होगा लुक ईस्ट पॉलिसी था इसको अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है पहले लुक ईस्ट था ठीक है अभी इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्ट एक्ट का मतलब इंगेजमेंट ज्यादा एक्टिव होके करें अभी जो प्राइम मिनिस्टर का है आने वाले टाइम में इस एशिया में लाओस का विजिट फिक्स है फिलीपींस एंड इंडोनेशिया लाओस फिलीपींस इंडोनेशिया एक बार मैप में देख लीजिए लाओस लैंड लॉक्ड है ऊपर वियतनाम है नीचे आई थिंक थाईलैंड है दिखा? एशिया वाले मैप में दिखेगा एशिया में साउथ ईस्ट एशिया का रीजन जो है साउथ ईस्ट एशिया लाओस कहीं दिखा लाओस वियतनाम ऊपर है नीचे थाईलैंड है बीच में है लैंडलॉक्ड एरिया है लैंडलॉक्ड का मतलब नॉट कनेक्टेड विद द एनी ऑफ द सी बॉडी और द वाटर बॉडी ठीक है ये सिंगापुर हो गया ब्रुने यहां पे है कंबोडिया यहां पे है कंबोडिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने वहां पे टेंपल्स के लिए फेमस है काफी हिंदू टेंपल्स हैं ओके दिस इज द वियतनाम साउथ चाइना से जहां पे लड़ाई चल रही है अंग अंग अंगकार वोट समथिंग लाइक दैट ओके तो ये है काफी फेमस है वो टेम्पल यहाँ पे फिलीपींस है फिलिपिनस इज द वो स्कैटोर्ड आईलैंड का एक समूह है ठीक है ना यहाँ पे लड़ाई चल रही है साउथ चाइना सी को इस पे सब क्लेम करते हैं ये क्लेम करते हैं चाइना कहता है मेरे नाम पे है उसके नाम पे है ना साउथ चाइना लगा है तो वो कहता है मेरे नाम पे है तो मेरा ही होना चाहिए फिर इंडिया का पूरा इंडिया इंडियन उस, ओशियन हो जाना चाहिए इतना बड़ा है तो इस पे अलग अलग डिबेट है ओके okay? दिस इज़ ऑल अबाउट फर्दर जो होगा वो करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट विद मो सपोर्ट इंडियन पैरा पैरालम्पिक इज़ ऑन हाई तो इस बार का सबसे हाइस्ट पैरालम्पिक में हमें मेडल मिला है टोटल नंबर ऑफ़ मेडल्स 29 पीसेस के लिए नोट कीजिएगा ये 29 मेडल्स लाए हैं 29 में गोल्ड कितना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द गोल्ड सेवन गोल्ड है यहाँ पे सेवन गोल्ड नाइन सिल्वर एंड थर्टीन ब्रॉन्ज मेडल है जो सबसे ज्यादा हमारा मेडल आया है नीरज चोपड़ा ने अपना फेमस होके जेवलिन का जो है उन्होंने जेवलिन थ्रो है जो फेंकते हैं नीरज चोपड़ा उसके कारण बहुत फेमस कर दिया तो ये है और हाई जंप में गोल्ड आए हैं कई तो इन दो एरिया से मैक्सिमम मेडल आए हैं क्लियो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है हमारा इसके पहले जो हाईएस्ट था 19 मेडल टोक्यो में हमने सेम होता है जहां पे ओलंपिक होता है उसके बाद पैरा ओलंपिक होता है पैरा ओलंपिक का मतलब जिनके डिसेबल है हाथ में कुछ दिक्कत है पैर में कुछ दिक्कत है तो ओलंपिक के बाद ही पैरा ओलंपिक होता है हर जगह पैरिस में हुआ था इतना तो हम लोग बीच बीच में पढ़ रहे थे पैरिस ओलंपिक नहीं नहीं पैरा ओलंपिक में मैं कह रहा हूँ इन्फ्लुएंस किया ये तो मेन वाले में थे नॉर्मल ठीक है नीरज चोपड़ा के कारण इसमें इन्फ्लुएंस हुआ नीरज चोपड़ा ने काफी को ट्रेन किया है जो पैरा ओलंपिक वाले भी हैं

अभी हाल ही में एक जजमेंट दिया है तो उसमें कहा है कि लिव इन रिलेशन जो का जो है होगा सेम प्रोटेक्शन होगा दैट विल बी अंडर द मैरिज नॉर्मल जो लीगल मैरिज होता है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू हम प्रोटेक्शन देते हैं कि मैरिड वुमेन को लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लिव इन रिलेशन होगा उसमें भी अगर वुमेन के साथ कोई भी वायलेंस होता है तो वो दैट विल बी कंसिडर अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू ओके okay? और यहाँ पे मैक्सिमम दिक्कत है कि ये लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लीगली एक्सेप्टेबल है लीगली अलाउड है पर सोशली और मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना कुछ सिचुएशन जो कानूनी तो सही है लेकिन लोगों के बीच में और सोसाइटी के बीच में उसको अच्छा नहीं माना जाता और जो चीज़ें लोग और सोसाइटी के बीच में अच्छा नहीं माना जाता है तो उसका बड़ा मिस होता है जैसे पुलिस है आप बता नहीं सकते क्योंकि आप लिविंग में है तो बोल नहीं सकते किसी को तो उसका वो लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं उनके खिलाफ और उनके जब उस केस में वायलेंस होने लगता है तो ऐसे में क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि आप इस ओवरऑल इस सिस्टम को ही गाली देते हैं ना जैसे अभी एक वुमेंस श्रद्धा वॉकर का केस आया था कि उनके हस्बैंड मुस्लिम थे और ये लिविंग में रह रहे थे आपस में कुछ लड़ाई हुआ जो भी हुआ तो उसको कई टुकड़ों में काट के कुछ फेंक दिया था फिर उसको पकड़ा गया था तो इसको लिव इन रिलेशनशिप और इंटर रिलीजन दोनों को जोड़ के लोग दिखा रहे थे कि अगर लिव इन में नहीं होते तो ये नहीं होता इस आर्टिकल में यही कहा गया कि नॉर्मल में भी वायलेंस होता है आप नॉर्मल भी मैरिज करते हैं तो उसमें भी लोग जला देते हैं उसमें भी वायलेंस करके लोग छोड़ देते हैं अपनी वाइफ को तो ये दैट इज द कॉमन लेकिन जब भी ऐसी घटना होती है तो मॉरलिटी को इंपोज किया जाता है जैसे हो गया ये घटना तो अब ये नहीं कहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस जो भी इसकी प्राइवेसी का वायलेशन उस पर फोकस नहीं होगा ये कहेंगे कि जो हमारा सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप को ही खराब दिखाना स्टार्ट करने लगते हैं ठीक है ऑलरेडी एक और केस है इस पर चावली वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी केस इसमें भी कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वहां पे एक्सेप्ट किया है कि जो लिविंग रिलेशन है वो उसका लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो एक्सेप्टेबल है मतलब लीगली वो कहीं ना कहीं से वायलेट नहीं है एंड इक्वालिटी उसको दिया है एज पर द जो भी आपका मैरिज के थ्रू प्रोटेक्शन होता है ठीक है सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें यह है कि जो लिविंग में है फैमिली मेंबर्स से ही सबसे ज्यादा खतरा होता है होता है ना कि आपको बाहर से प्रोटेक्शन नहीं, मेंबर के के ही अगेंस। ही अगेंस्ट, खासकर फादर्स एंड ब्रदर्स का सबसे ज्यादा उसमें वायलेशन और वायलेंस के होते तो स्टेट क्या करता है है, ये, सेंटर के अंडर में है। सेंटर को फंड तो इम्प्लीमेंट होगा मैक्सिमम स्कीम क्या होता है प्लान करता है और स्टेट इस गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है लेकिन दिक्कत यह है कि जहाँ पे भी अगर खुद का सरकार खुद की पार्टी गवर्नमेंट है स्टेट में तो वहाँ पे फंडिंग बहुत इजीली हो जाती है लेकिन जहाँ पे कोई भी दूसरी पार्टी है और वो आपके सपोर्ट में नहीं है अलायंस में नहीं है तो वहाँ पे फंड रिलीज नहीं होता है ये कंटिन्यूसली ये है जैसे तमिलनाडु में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है केरला में नहीं है पंजाब में नहीं है वेस्ट बंगाल में नहीं है यहाँ यहाँ पे इन्होंने फंड रोक के रखा है दे से रिलीज कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना है कि समग्र शिक्षा स्कीम है अभी हाल ही में स्टार्ट किया जिसमें जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड दस स्कीम था कि मिड डे मील का अलग था टीचर्स का ट्रेनिंग का अलग था जैसे गर्ल्स के लिए अलग स्कीम लगा के लेके आए थे था ना तो सबको इन्होंने इकट्ठा करके एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके एक फंडिंग और एक अमरेला प्रोजेक्ट के अंदर में लाने की कोशिश किया क्योंकि जब तक आप एक तरीके से इंटीग्रेट नहीं करते इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज दैट इज अबाउट द अनकॉमन साइक्लोन इन द अरेबियन सी ओके तो यहां पर है कि साइक्लोन क्या है वॉट इज अ साइक्लोन जोग्राफी पढ़ लिया ना तो अभी तो कंडीशन पता होना चाहिए साइक्लोन आने के क्या क्या कंडीशन होने चाहिए पहला लो प्रेशर इसका नाम ही है लो प्रेशर ठीक है, है उसके बाद टेम्परेचर कितना होना चाहिए वार्म वाटर या कोल्ड वाटर वार्म वाटर वेरी गुड डिग्री कितनी टेम्परेचर नियर अबाउट चार ऑप्शन दू बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट अट्ठाईस चौबीस अब दो बचा, है वो भी कोई बोल दो कोई तो एक तो सही होगा ही अट्ठाईस आपका भी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन होना चाहिए ठीक है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट हाफ सेवन ट्वेंटी सेवन तक जाता है यही है इतना होना चाहिए मॉइस्चर सफिशियंट होना चाहिए और जब वो केवल हमेशा सी बॉडी पे ही हो वाटर बॉडी पे ही होगा लैंड पे आते ही गायब हो जाता है लैंड पे उसका इंपैक्ट होता है लेकिन लैंड पे वो गायब हो जाएगा फॉर्मेशन हमेशा सी में होगा और इसका टेम्परेचर ट्वेंटी सिक्स है इसलिए ये ट्रॉपिकल एरिया में ही होगा वो अपर लैटिट्यूड पे तो टेम्परेचर हाई होता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है साइक्लोन का साइकोन साइक्लोन के अंडर में सीवियर तरीके के कंडीशन बनते हैं रेनफॉल काफ़ी हाई होगा स्पीड विंड का काफ़ी ज़्यादा होगा ये हमको देखने को मिल रहा है कि जो ओवरऑल रेनफॉल का पैटर्न है साइक्लोन का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और इसका इम्पैक्ट जो हो रहा है वो जो आइस कवर है आइस कहाँ कहाँ कहा, पे पोल्स पे है आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक जल्दी से कौन इस समय पिघल रहा है आर्कटिक पिघल रहा है तो आर्कटिक जल्दी से पिघल रहा है और हमारे करीब भी है आर्किटिक ऊपर ही है तो आर्कटिक का इम्पैक्ट के कारण ज़्यादा से ज़्यादा वो हो रहा है ऐसे रिसोर्ट जा रहा है हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इतना पता होना चाहिए कि आ, आइस का जो पिघलने का इम्पैक्ट है वो साइक्लोन है साइक्लोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया है कंडीशन सही हो रहा है साइक्लोन में क्या होता है पहले लो प्रेशर छोटा सा बनेगा फिर वहीं पे ऐसे छोटा सा लो प्रेशर बना फिर हवा इसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट करेगी फिर ये धीरे धीरे घूमते घूमते ये एक दूसरे से मोर्ज होते रहता है और साइक्लोन का जो कंडीशन होता है सी में होता है और सी के पास मॉइस्चर खूब होंगे मॉइस्चर से वो एनर्जी उठाएगा और जब वो मॉइस्चर को रेन वाटर में ड्रॉपलेट होगा तो फिर उसे रिलीज होता है वही एनर्जी का काम करता है साइक्लोन को वही और एनर्जी देता रहता है और जितना भी आपका उठाएगा उतना ज़्यादा तेज होगा ओके तो जो कंडीशन होता है एक बार हम देख लेते हैं व्हाट आर द कंडीशन क्योंकि आप लोग भूल गए हैं थोड़ा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही होता है छह कंडीशन एक बार आप लोग इसको देख लीजिए दिस इज द 26 सिक्स डिग्री का टेम्परेचर चाहिए गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वर्टिकल विंड सेयर होना चाहिए ठीक है जैसे आपका हवा ऐसे ऐसे बहता ना हॉरिजॉन्टल ऐसे ये वाला होगा और ये जो वेरिएशन होगा लो होगा दैट इज मेन कंडीशन ओके तो ये सब चीजें लो प्रेशर कंडीशन है तो पहले से पता होगा इनफ कोरियोलिस फोर्स चाहिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है ड्यू टू द फोर्स जो लगता है पृथ्वी घूम रही है और जो रोटेशन हो रहा है इसके कारण जो हो रहा है कॉरियोलिस फोर्स नॉर्थ में किस तरफ होता है हम्म राइट में साउथ में लेफ्ट लगेगा इतना पता है ना ठीक है ये सब इम्पैक्ट करेगा इसीलिए उसका डायरेक्शन होता है कि किधर से किधर की कि तरफ जाएगा क्लियर मैक्सिमम जो बनते हैं कोरियोलिस फोर्स और ये जो साइक्लोन कंडीशन बे ऑफ बंगाल में ज्यादा बनते हैं यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा और खासकर इंडिया में जो टकराते हैं वो बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा आते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी होता है ना आप जाएंगे इधर लैंड पड़ेगा अगर सऊदी अरेबिया में होगा तो वो जाके टकराएगा अफ्रीका में होगा ना उधर अफ्रीका पड़ेगा तो दिस तो इज द अदर कंडीशन क्लियर हो रहा है ओवरऑल इसमें यही डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो आइस कवर का है उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है ओके हमने देखा है कि जो अभी इस साल का है कंडीशन 2023-24 में उसमें वार्म ज़्यादा होगा जब वार्म ज़्यादा होगा तो साइक्लोन बनने के ज़्यादा कंडीशन होंगे और 2023-24 में सबसे ज़्यादा वार्म कंडीशन था और इसका किस लिए था अनिनो के कारण था अनिनो हमने पढ़ा था कि जो ट्रॉफ होता है एकदम हाई प्रेशर लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगा जब ये हाई प्रेशर की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो ओवरऑल जो फ्लो होगा लो हो जाएगा हो जाएगा ना जब दो के बीच में अगर तगड़ा वाला झुकाव होगा इतना ऐसा हाइट है तो चीज़ें खूब तेजी से गिरेगी अगर इस हाइट को कम कर दें हाई प्रेशर लो प्रेशर को मैं समझा रहा हूँ एल नीनो में क्या होगा एल नीनो में ये प्रेशर लो कर देगा तो यहाँ से कुछ छोड़ूंगा तो धीरे धीरे करेगा ना एज कम्पेयर टू दैट तो यहाँ पे जब धीरे हो जाएगा तो बारिश कम होगी सूखे के, के कंडीशन होते हैं नॉर्मल यही होता है नीनो में ला नीना के कंडीशन में प्रेशर हाई हो जाएगा नॉर्मल से ज़्यादा तो जो नंबर ऑफ फ्लड ज्यादा होंगे बारिश ज्यादा होगी अभी का कंडीशन यही दिख रहा है बीच में अभी साउथ में देखिए 24-24% ज्यादा रेनफॉल का ये है प्रिडिक्शन है तो दिस इज द कंडीशन ओके नंबर ऑफ जो ये है साइक्लोन कहां पे ज्यादा है बे ऑफ बंगाल में यहां पे ये ही साफ साफ लिखा भी हुआ है एज कंपेयर टू तो द सऊदी अरेबिया इस साइक्लोन को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं जैसे चाइना जापान में टाइफून कहते हैं सेम साइक्लोन को फिलीपींस में बागोवो कैरेबियन में हरिकन ये कॉमन है विली विली ऑस्ट्रेलिया में एंड इंडिया में तूफान चक्रवात ये सब हम लोग कहते हैं ये मैचिंग कराने के लिए पूछ सकता है कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं इंडिया वाला तो हम बता देंगे विली विली भी, भी बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया से बहुत मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होगा फिलीपींस वाला थोड़ा कम याद हो पाता है तो इसमें और टाइफून और ये हरिकन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है अगर मिक्स करा अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन मिक्स करा के सौ क्वेश्चन में देंगे तब दिक्कत होगी ओके किसका ज्यादा नहीं याद होता है ये जल्दी कॉमन नहीं तो हैं हरिकेन भी सुनते रहते हैं विली विली ईजी नाम है तूफान चक्रवात तो अपने घर का बात है तो वो हमें याद ही रहता है ओके तूफान एंड चक्रवात लास्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द दिस आर्कटिक सी आइस चेंज मानसून पैटर्न सेम वही बात हो रहा है कि मानसून कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रेशर कंडीशन से है और इसके कारण जो मानसूनल टर्फ है वो ज्यादा बंद है जब मानसून कंडीशन होता है तो विंड कहाँ से होती है ट्रेड विंड चलती है आप लोग जोग्राफी में पढ़ रहे होंगे ट्रेड विंड जब इक्वेटर क्रॉस करेगा तो कोरियोलिस्ट फोर्स उसको किधर की तरफ मोड़ देता है साउथ वेस्ट की तरफ इसीलिए उसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं और ये साउथ वेस्ट मानसून दो पार्ट में बढ़ जाता है एक तो सऊदी अरेबिया वाले सऊदी अरेबिया से घुसते हुए केरला से घुसते हुए जाएगा यूपी की तरफ और अंदर और एक वे ऑफ बंगाल से टकराएगा वहाँ पे जो आरिकन माउंटेन है म्यांमार वाले बॉर्डर पे ऐसे हैं हिमालय का एक्सटेंशन दिमाग में बन रहा है पिक्चर हिमालय आ रहा है मैम से होते हुए यहाँ से बे ऑफ बंगाल से जब हवा घुसेगी तो टकराएगी टकरा के किधर आएगी वापस इधर आसाम से होते हुए फिर ये दूसरा वाला यूपी की तरफ आता है बताया होगा सर ने पूरा जोग्राफी में ठीक है तो ये दो ब्रांच बनते हैं मेन जो सबसे ज्यादा होता है ये अरेबियन सी वाले से होता है बे ऑफ बंगाल तो फिर से वापस आके तमिलनाडु में जो बारिश होता है बे ऑफ बंगाल वाले से वो कब होता है दिसंबर जनवरी के टाइम पे होता है रिवर्स करता है जब रिवर्स ऑफ द मानसून उसको ठीक है ना क्लियर हो रही है एक बार आप लोग घर रिवाइज कीजिएगा ओके दिस इज ऑल अबाउट उसमें जेट स्ट्रीम का भी बहुत रोल होता है जो जेट स्ट्रीम अपने आप को नॉर्मल इंडियन जो डेक्कन वाले प्लेट हुए उसके ऊपर रहता है जब विड्रॉल करता है तो मानसून का हमारा कंडीशन होता है क्योंकि जब वो विड्रॉल करेगा तभी तो ओवरऑल हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा ना और जब वो विड्रॉल करता है उसी समय पे सबसे ज़्यादा हमारा धूप होता है हमारे सर पे होएगा हो धूप ये वाले एरिया में ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ दिमाग में क्योंकि पढ़ा हुआ है जोग्राफी सिले बस मैं एक पिक्चर याद करा रहा हूँ ओके जब यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर पे ऊपर से सनरेज होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर लो हो जाता है और इधर समंदर पे प्रेशर हाई रहेगा वही मानसून को विंड को खींचता है उसी के थ्रू फ्लो होते हैं क्लियर दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडे न्यूज एनालिसिस ये वी विल कंक्लूड आवर सेशन थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ठीक है एनी डाउट